ओके सो गाइस इट्स इवनिंग टाइम 5 बज चुके हैं अभी एंड अभी मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ अ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. जिन जिनको बोरिंग लग रही है प्लीज आप बाहर जा सकते हैं. मैंने एक बीच में एक क्लाइंट हैंडल करी है, हर नेम इज खुशवंत कौर. एंड जो जो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखी है उनकी वो पोस्ट. लाइक शी यूज टू बी वेरी मोटू पर्सन, लाइक 84 kg की थी वो. अब वो 82 पे थी, अभी 64 है उनका वेट. एंड इट्स लाइक 2.5, लाइक 2.5 महीने की ये पूरी जर्नी रही है उनकी. एंड बीइंग अ पीसीओडी पेशेंट, उन्होंने बहुत अच्छे से ये जो जर्नी है अपनी उसको कंप्लीट करी है. एंड वो स्टिल चाहती हैं कि उनका और वेट लॉस हो, 5 से 6 किलो वो और ज़्यादा वेट लॉस करना चाहती हैं. सो गाइज दिस इज समथिंग लाइक जो जो पीसीओडी वाले पेशेंट हैं, बट उन सबके लिए एक ये मैसेज है कि जब जब पीसीओडी होता है किसी को भी, सो मूड स्विंग होना, खाने पे कंट्रोल करना, खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करना, चॉकलेट्स की क्रेविंग को कंट्रोल करना, इट्स लाइक बिग टास्क फॉर यू गाइस. बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप से फाइट करना जब शुरू करते हो और उस फाइट में जब आपको दिखता है कि नहीं यार मैं जीतनी चाहिए और मेरी बॉडी की जो विन होना चाहिए रेदर देन पीसीओडी एंड पीसीओडी के सिम्टम्स की, तब जाके आपकी जो यू नो विलिंग पावर है वो जागती है. पीसीओडी को फाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है, विच इज यू एंड योर विल पावर. आप कितने अच्छे से खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आप कितने अच्छे से अपने आप पे कंट्रोल ला सकते हो. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो मेरी पेड क्लाइंट है, मैं उसके लिए इतना बोल रही हूँ. इट्स लाइक कि उस बंदी ने जितना मुझे डेडिकेशन दिखाया है एंड यू नो उसको बोला गया है, उस She is such kind of a person ना, जिसको मैंने जस्ट वीकली डाइट दी है एंड उसने मुझे वीक के बाद ही कॉल करा है कि सुमन मेरी डाइट खत्म है, गिव मी दी अनदर वीक डाइट. एंड मतलब नॉट इवन अ सिंगल कॉल, बस एक कॉल आता है कि डाइट समझा दो, क्या क्या चीज़ें कितने कितने बजे लेनी है, दैट्स इट. कुछ भी वो एक्सक्यूजेस नहीं कि मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही, वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही. मतलब शी इज़ अ समवन जो न्यूजीलैंड में रह रही है अभी. एंड चीज़ों को अरेंज करना, इंडियन ग्रॉसरी को अरेंज करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है, बट उस बंदी ने मुझे कभी भी ये कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही है, मुझे इसका एक्सचेंज बताओ, या फिर मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे उसका एक्सचेंज बताओ. शी इज समवन जिसको जो चीज़ दी गई है ऑन अ टाइम, उसने वो चीज़ उस टाइम पे ली है. एंड इतना ड्रास्टिक उनके अंदर चेंजेस आया है, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक, एंड ये उनकी पिक्चर से ही दिखने में लग जाता है कि उस बंदी ने कितनी ज़्यादा अपने आप पर काम करा है. मेरा काम है जस्ट डाइट देना, फॉलो करना ना करना आप लोगों का काम है. मैं यहाँ पे भी काफी ज्यादा डाइट पोस्ट करती हूँ और उसके नीचे मुझे 3600 कमेंट्स मिलते हैं, कैन वी टेक दिस, कैन वी डू दिस, कैन वी हैव दिस, कैन वी डू दिस, क्या मैं उसको स्वैप कर सकती हूँ, क्या मैं उसको स्वैप कर सकती हूँ. मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ. इस वजह से आई एम लाइक बिग बदनाम लेडी ऑन सोशल मीडिया कि शी इज समवन लाइक सुमन इज समवन जो पेड क्लाइंट्स को रिप्लाई करती है. दैट्स ओके, दैट्स योर थॉट. बट डाइट का मीन क्या होता है, जस्ट एक प्रॉपर स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना. इफ यू गाइस ऐड योर चीजें, नाउ आई हैव सच काइंड ऑफ ईमेल्स जिसके अंदर लोगों ने अपनी पूरी डाइट मेंशन करी है, मेरे सुबह का उठना ये, एंड लिख रखा है प्रॉपर कि मैं मॉर्निंग में ये लेता हूँ, आफ्टरनून में ये ले रहा हूँ, एंड डिनर में ये ले रही हूँ या ले रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है. वो चीजें उस डाइट के अंदर लिखा है. यार मैं कैसे किसी को हर चीज का सजेस्ट करूंगी, एंड खाने में बहुत ज्यादा वेराइटीज होती है. प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आप डेली का 10,000 से 18,000 कमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऐसे कमेंट्स जिसके अंदर यू फील लाइक कि बहुत ही अजीब तरीके के क्वेश्चंस हैं. कैन वी हैव मिल्क इन द नाइट, वीडियो के बिगिनिंग में बोला गया है नो मिल्क. कैन वी हैव मिल्क इन द नाइट, हाउ कैन आई रिप्लाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आते कहाँ से इतने सारे. जिसको वेट लॉस करना होता है उसको एक डाइट चाहिए होती है एंड वो गायब हो जाता है उस डाइट को लेके. वो सिर्फ हमने बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स के साथ आता है. आई हैव सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो कि डाइट लेते हैं और गायब हो जाते हैं, एंड वो सीधा मुझे हफ्ते या दो हफ्ते के बाद पिक्चर्स भेजते हैं एंड इंचेस के नाप भेजते हैं कि दिस दीज आर इंचेस लॉसेस, दीज आर यू नो वेट लॉस वाली चीजें जो यहाँ यहाँ से हुआ है. सो यू नो इट्स लाइक अगर आपके पास कोई डाइट है, आप शिद्दत से वेट लॉस करना चाहते हैं, तो पहले अपना माइंड को सेट करो, अपनी विल पावर लेके आओ. स्पेशली ये मैसेजेस सिर्फ पीसीओडी वालों को कि अपने मूड पे जितने भी आपके स्विंग्स होते हैं, अप्स होते हैं, मूड्स डाउन होते हैं, बिकॉज पीसीओडी लाइक जिसको पीसीओडी होता है ना उसको ऐसे नजरों से देखा जाता है लाइक ये आधी पागल औरत है. उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है भैया इसके तो हार्मोन हिले पड़े हैं और ये पागल औरत है. बट रियलिटी इज दिस कि आप उसकी चीजों को तो समझो, वो किस दौर से गुजर रही है. एंड
सोसाइटी ये इंडिया में है ये ड्रामेबाजी ना, बाहर नहीं है. इंडिया में अगर एक मैरिड वुमेन है उसको किसी को पता चल गया भाई उसको पीसीओडी, उसको गंदी नजरों से देखना शुरू कर देंगे, जैसे साला तुम्हारे खानदान में किसी को पीसीओडी नहीं हो सकता. एंड हवा मच जाता है इंडिया में ना. इंडियन सोसाइटी इज लाइक आई हैव, मतलब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बेचारे पीसीओडी हैं, मैरिड है और वो डरी रहती है. मतलब ये इंडियन सोसाइटी है जहाँ पे पीसीओडी वालों को बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता है, जैसे साला उसको कैंसर है. कि तुम्हारे खानदान में कि तुम्हारी माओ को या फिर तुम्हारी बहनों को कैंसर, ये पीसीओडी नहीं हो सकता. एंड प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. पीसीओडी इज अ नॉर्मल बीमारी जो एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है. एंड लोगों को, लेडीज को ऐसे देखना बंद करो प्लीज. ये बहुत ज्यादा हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, अपने ही घरों में ही हो रहा है. सो पीसीओडी इज लाइक नॉर्मल बीमारी. हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं बट उसको फाइट करने का एक अपना ही अलग तरीका है. जब जो खुशवंत है, जिस खुश ने अगर अपना यू नो वेट लॉस करा है बीइंग अ पीसीओडी पेशेंट, 2.5 महीने में इतना ड्रास्टिक वेट लॉस करा है, सो इसका मतलब ये है कि कोई भी पीसीओडी वाला पर्सन कर सकता है. बट उसको एक पुश की ज़रूरत है एंड एक साथ की ज़रूरत है. खुश जो है उनके पास मैं थी, उनके हस्बैंड है, उनकी फैमिली है, उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करे और वो 2.5 महीने में ऐसे ठीक हो गई है. सो अगर किसी को सपोर्ट मिलेगा तो वो बंदा अपने आप ही ठीक होगा. सो गाइस, पीसीओडी के लिए आपका ब्रेन और आपको साथ और एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है. देन प्लीज़ जिन जिन को पीसीओडी है प्लीज़ ये वीडियो देखो एंड अपने आप की विल पावर को जो है वो स्ट्रांग बनाओ एंड फाइट करना सीखो. रोने की जगह फाइट करोगे तो वो बेटर है. बिकॉज रोगे तो वैसे भी इंडियन सोसाइटी ऐसी है वो आपको रुलाएगी ही सही, बट जो फाइटर होते हैं वो खेल जाते हैं. नाउ खुशवंत को आई वुड से शी इज अ चीती, मतलब चीती है वो, शेरनी है वो. शी इज लाइक बिग यू नो शेरनी काइंड ऑफ अ रोल उन्होंने हम सबके लिए प्ले करा है, जिसकी हेल्थ से वो यू नो आज वो इट्स लाइक अ मोटिवेशन वाली चीज जो मैं भी नहीं कर पाई थी वो खुश ने करा है. मुझे यू नो ठीक होने में टाइम लग गया बिकॉज मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी उस टाइम पे एंड मुझे कोई सपोर्ट नहीं था. बट आज मुझे फील होता है कि नहीं यार, जिन जिन के पास सपोर्ट नहीं है उनको खड़ा करो, उनको सपोर्ट करो एंड उनका पीसीओडी खत्म करो. सो या दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. एंड अभी मेरा जिम नहीं है आज बिकॉज आई एम नॉट वेल. सो आई थिंक कि मेरे को ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए. एंड हेयर इज हर पिक्चर. सो गाइज प्लीज सी, एंड जिन जिन को पीसीओडी है रेज योर हैंड एंड स्टार्ट माई पीसीओडी डाइट और एनी डाइट. इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, गो फॉर अ वर्कआउट. एनी जो खुशवंत ने वेट लॉस करा है दिस इज नॉट विद वर्कआउट, विदाउट वर्कआउट. जो खुशवंत ने वेट लॉस करा है कि वर्कआउट से नहीं किया, विदाउट वर्कआउट किया है. मतलब कि इट्स लाइक जस्ट वॉक है, जस्ट वॉक करती थी वो एंड वर्कआउट वो बीच बीच में करती थी, बीच बीच में नहीं करती थी, बट वर्कआउट के बिना ही कह सकती हूँ मैं जो वेट लॉस हुआ है. सो गाइज गेट अप एंड स्टार्ट करो अपना वेट लॉस जर्नी एंड शेयर योर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर ऑन माई इंस्टाग्राम, टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. सो या दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी गाइज, बाय.